13 को भाई BGMI के भी अंदर आ जाएगा। अब गाइस ये वाला अपडेट अब तक का धांसू अपडेट रहने वाला है, क्योंकि यार इस अपडेट के अंदर मोस्ट डिमांडेबल मोड यानी कि एंसेंट अराइज मोड ऐड होने वाला है, एंड उससे भी धांसू चीज। गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको उस मोड के रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। वीडियो एक नंबर रहने वाला है। अब गाइस फिलहाल अपन खड़े हैं 2.1 के बीटा वर्जन के अंदर, ठीक है। अब गाइस जैसे ही अपडेट आएगा उसके बाद अगर आपको कोई भी इन्विटेशन सेंड करेगा यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे ना आपको ऐसा कुछ साउंड आने वाला है, ठीक है, अपडेट के बाद। तो ये भाई पॉपअप वाला साउंड ऐड किया गया है, ठीक है, जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो। एंड उसी के अलावा गाइज यहाँ पे एंसेंट अराइज मोड को ऐड किया जाएगा। बाकी तो गाइज ये चीज देखो, स्पॉन आइलैंड पे भाई धूले ही धूले उड़ रही है, एंड उसी के साथ फेरो की दहाड़ने की आवाजें। अरे भाई साहब, सो ये चीजें स्पॉन आइलैंड पे होने वाली है, ठीक है। एंड पीछे से फेरो हाथ मारने वाला है एंड प्लान को पकड़ने की कोशिश करने वाला है, ठीक है। इस गेम के अंदर फेरो आपका दुश्मन रहेगा पक्का वाला, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी आपकी एक बार जंग होने वाली है इससे। अब फिलहाल गाइस यहां से तो अपन फेरो से बचने ही वाले हैं, बट नीचे बचते हैं या फिर नहीं बचते हैं फेरो से लड़ने के बाद, वो तो भाई नीचे जाके ही पता चलने वाला है। फिलहाल गाइस मैप पे नजर डालते हैं और यहाँ पे आपको कई सारी यूनिक चीजें देखने को मिल जाएगी। अब गाइस आपको दो बड़े रूट देखने को मिल रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग में आपको टेम्पल देखने को मिल रहा है दो, जिसपे टाइमिंग चल रही है। अब गाइस जैसे ही ये टाइमिंग खत्म होगी तो फेरो भाई उठाने वाला है इन दो टेम्पलों को, और ये जो आप रूट देख रहे हो यानी कि ये बड़ी लाइन है उस पर चलने वाला है, और जैसे ही गेम खत्म होगा तो अपने रूट के साइड चले जाएगा और सीधा दरिया की साइड चले जाने वाला है, ठीक है। एंड उसी के साथ आपको चार लोकेशन दी जाएगी, जिसमें से दो भेड़िए वाली लोकेशन है एंड उसी के साथ दो मकड़ी वाली लोकेशन है। अब यार इस दोनों में अंतर क्या है, अब जाके अपन देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। एंड उसी के साथ मैप के अंदर आपको ये येलो सर्कल एक ही देखने को मिलेगा। अब गाइस इसकी क्या खास बात है, यहाँ पे ये चीज तो कंफर्म है 2x लूट देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे एक चीज है जो आपको नहीं पता रहेगी। अब गाइस फिलहाल अपन इस टेम्पल पे लैंडिंग करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब गाइस जैसे यहाँ पे टाइमिंग खत्म हुई और ये चीज देखो भाई साहब, एनिमेशन के साथ ये जो अपन का पिरामिड है वो गायब हो रहा है एंड एक स्टेज बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब गाइस फिलहाल यहाँ पे देखो भाई साहब आवाजों के साथ ये देखो भाई क्या निकल रहा है बे, मतलब कुल मिला के ये जो अपन का टेंपल ऊपर रहने वाला है उसको फेरो भाई जमीन से उठ के निकालने वाला है। यहाँ पे आप देखो, ये देखो भाई, अब ये फेरो है बट क्या है मेरे को पता नहीं चल रहा, बट ये ऐसे गेम के अंदर दो रहने वाले हैं, ठीक है। एंड फेरो तो अपन का ऊपर ही मिलने वाला है, जिसको अपन मारने भी वाले हैं इस गेम के अंदर। अब यहाँ पे देखो भाई साहब पूरा उठा लिया है, अभी तक हवा में नहीं गया है, यहाँ पे आप देखो सीधा हो चुका है पूरा। अब यार यहाँ पे आप कहोगे कि अपन को ऊपर अगर चढ़ना है तो अपन कैसे ऊपर चढ़ सकते हैं, अब गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। चीज देखो फेरो यहाँ पे अपन आ चुका है और सीधा आप ऊपर जाने वाले हो, ठीक है, जैसा कि मिरर वर्ल्ड के टाइम पे आया था। अब फाइनली ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको स्टेच्यू कई सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, मकड़ियां भाई क्या है ये। अब गाइस यहाँ पे चार ऐसे इन चीजों को मारना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या है मक्खी है पता नहीं क्या है, तो इन चार मक्खियों को मारना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रही है, ठीक है, जैसे ही आप चार को मारोगे तो ऊपर एक सप्लाई देखने को मिलेगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर अपन को एक भाई साहब खतरनाक चीज देखने को मिलेगी जो ये रही। अब गाइस इस चीज का यूज आपको कहाँ पे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, मन चाहे वहां पे यूज नहीं करना है, ठीक है, ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है ये ड्रिंक। अब गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो ना बीच वाला जो हिस्सा, यहाँ पे आप देखो अपन जहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आपको चार चीजों को एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो चार लाइन है, इसको अपन देखो पहली यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अब जैसे ही ये मतलब देखो कलरफुल हो जाएगी यहाँ पे आप देखो तो इसके अंदर जुड़ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपको चार चीजें यहाँ पे आप देखो, मतलब आपको लाइन तो दी ही जाएगी, वहां पे जाना है और वहां पे आपको खड़े रहना है, तो ये एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही सभी लाइन कलरफुल हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो आपको बीच में खड़े रहना है। अब गाइस जैसे ही आप बीच में खड़े रहोगे तो ये वाला आप देखो भाई ऊपर आपको ले जाने वाला है, ठीक है, ये स्टेज पूरा। अब यहाँ पे सब कुछ चीजें होने वाली है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे फिलहाल अभी भी फेरो नहीं निकला है, ठीक है, फेरो को जाने के लिए आपको दूसरी भी एक चीज करनी होगी जो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे आप देखो अपन को दो हाउसेस देखने को मिलेंगे, एक तो है ईस्ट गार्ड हाउस एंड दूसरा है वेस्ट गार्ड हाउस, तो इसके अंदर क्या है अब उसको जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। यार यहाँ पे भी फाइटिंग होने वाली है, ठीक है, तगड़ी वाली। अब गाइस पहले ही अपन वेस्ट हाउस के अंदर आते हैं और यहाँ पे आप देखो भाई अपन को कई सारे सांप वगैरह देखने को मिल जाएंगे, एंड उसी के साथ कई सारे यहाँ पे आप देखो कई सारे गार्ड वॉरियर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो भाई इस पेटी को मतलब पेटी की रक्षा करते होंगे, ठीक है। अब यार इस पेटी को अपन को खोलना है, जैसे ही अपन मार दोगे पेटी को खोलने का ऑप्शन आ जाएगा,
सो यहाँ पे अपन खोलते हैं और इसके भी अंदर आपको उनको कई सारी भाई लूट देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल गाइस अपन वेस्ट हाउस को खत्म कर दिए हैं एंड उसके बाद जाते हैं ईस्ट हाउस के अंदर, ठीक है। फिलहाल गाइस इस पजल को सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे आप देखो दो यहाँ पे चमक रही है, अब आपको तीन को एक लाइन में करना पड़ेगा, ठीक है। तीन को लाइन पे करने के लिए दूसरे यहाँ पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो तीनों चमक गई, यानी कि ये नीचे आएगा। अब इस पजल को आपको सोल्व करने का रहेगा एंड ये वाली क्रेट आएगी। अब गाइस फिर से यहाँ पे अपन आ चुके हैं ईस्ट हाउस के अंदर, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो भाई साहब, भाई अरे मर। हाँ गाइस यहाँ पे देखो, अब जैसे ही इनको मारोगे तो अपन को दूसरी यहाँ पे एक क्रेट देखने को मिल जाएगा, जिसको भी अपन ओपन कर लेते हैं। अब गाइस सीधा जाते हैं फेरो के दरवाजे के पास, इसको कैसे खोलने का रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो सभी चीजें अपन वहां पे कंप्लीट कर दिए, उसके बाद ही अपन को ये बटन आएगा, ये देखो फेरो वाला। यहाँ पे ये वाले ऊपर अपन आएंगे प्लेटफॉर्म के अंदर, तो ये अपन को ऊपर ले जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो भाई साहब कितना सही है भाई, मतलब सभी चीजों को पहले आपको नीचे से कंप्लीट करना पड़ेगा एंड जैसे ही आप ऊपर आओगे ये आपको देखो भाई फेरो की पेटी देखने को मिल जाएगी। अब धीरे धीरे भाई हवाएं आना स्टार्ट हुई है और धूल वगैरह उड़ रही है। भाई ये देखो फेरो की पेटी सीधी हो गई एंड उसमें से भाई साहब ये देखो, और जो भी आपको ये लाइट दिख रही है ना फेरो के, मतलब देखो चेस्ट के ऊपर भी आएगी और यहाँ पे दिख रही है ना, तो उस पे ही मारना है क्योंकि वहां पे हेडशॉट जैसा डैमेज आने वाला है। मेरी हीलिंग कम हुई और यार अभी यूज करना आता है इस चीज को, ठीक है। अब इस चीज को आपको यूज करना है क्योंकि यार ये आपकी सेकंड में ही यूज हो जाएगी एंड उसी के साथ आपकी पूरी बूस्टिंग और हीलिंग फुल कर देगी, जो आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगी। अब यार देखो भाई लाल आंखें कर दिए, फिर भी अपन चेस्ट पे मार रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी आप ये कलरफुल दिख रहे हैं ना बीच में चमकता हुआ, उस पे ही मारना है क्योंकि उस पे ही आपका डैमेज आने वाला है, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। अब गाइस यहाँ पे भाई जंग बिल्कुल छिड़ चुकी है। यहाँ पे देखो फेरो भाई अपनी शक्तियां दिखा रहा है। ओ भाई आपको कवर लेना है, ठीक है। मेन चीज आप कवर में रहोगे तो फेरो आपका एक बार डैमेज देगा तो आप बच जाओगे। बाकी फिलहाल गाइस मेरे टीममेट्स नॉक हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यार उसने उस चीज को यूज नहीं किया जो मेरे को मिली थी ड्रिंक वाले, ठीक है। अब गाइस उसको ही आपको यूज करना है तभी आपका काम होगा, वरना नहीं होने। सब फाइनली मैंने फेरो को गिरा डाला है, ठीक है। पूरी भाई शक्तियां खत्म हो चुकी है और ये गया, देखना भाई साहब। ओ भाई बहन, मतलब बड़ी मछली जाल में आई यार, भाई बहुत सारा डैमेज देना पड़ता है। सो गाइस मैंने आपको जो भी चीजें बताई उसको फॉलो करोगे तो आप इजिली फेरो को मार पाओगे, जैसे कि मैंने मारा। बगैर यहाँ पे आप देखो अपन को लूट के थ्रू कई सारी चीजें देखने को मिल रही है, भाई गिली सूट मिल रहा है, लेवल 3 की सारी चीजें मिल रही है, ग्रोजा मिल रही है, बस अब बहुत सारी चीजें। बट यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो AMR न्यू गन है वो देखने को मिलेगी, बट गाइस यहाँ पे वो रैंडमली होती है, ठीक है। वो आपको कभी ना कभी ड्रॉप में देखने को मिल जाएगी इस मोड को जैसे ही आप खेलोगे। बाकी गाइस यहाँ पे भी आपको कभी ना कभी फेरो को जैसे ही मारोगे तो देखने को मिल जाएगी, बट यार बुरी किस्मत के कारण अपन को वो AMR गन देखने को ही नहीं मिली, ठीक है। बाकी गाइस दूसरी चीजें दिखाने के लिए मेरे को दूसरा मैच खेलना पड़ेगा एंड मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप क्या दूसरी बार ऊपर चढ़ सकते हो एंड आपको ऊपर किल मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट यहाँ पे देखो जो अपन का लकड़ी वाला प्लेटफॉर्म है, नीचे दो हैं, तो उस पे आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखो मैं नीचे जैसे उतर आया हूँ, अब गाइस यहाँ पे आपको एक चमगादड़ एंड दो गार्ड वॉरियर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मम्मी वॉरियर यहाँ पे उसका नाम रहेगा, तो इनको आपको मारने का रहेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं फटाफट से इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखो मेरे, मतलब आप एक स्प्रे मारोगे उस चमगादड़ पे अच्छे से तो वो तो गिर जाएगा, ठीक है। बट गाइस अभी इस अचीवमेंट को कम्प्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इस पेटी को आपको नीचे लाना है। फिलहाल गाइस यहाँ पे आप देखो, पहले तो इस ये मक्खी आपको दिख रही होगी, सभी मक्खियां आपको आवाज करती दिखेगी ताकि आपको लोकेशन का पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी मक्खियों को मैं नीचे मार गिराता हूँ, और जैसे ही ये सभी को मार गिराओगे तो यहाँ पे आप देखो अपन का ये जो सप्लाई है वो खुल चुका है एंड इसका भी अचीवमेंट है 2.1 का अपडेट में एड रहेगा। एंड उसके अलावा गाइस जो अपन की भेड़िया वाली लोकेशन है तो उस पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं उस पे भी आ चुका हूँ। अब गाइस बीच में जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको पजल सोल्व करने का रहेगी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप देखो मैं पजल को सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे तीनों को आपको मतलब एक लाइन में करना होगा तभी आपका ये सप्लाई नीचे आने वाला है, ठीक है। तो गाइस इसका भी एक अचीवमेंट आने वाला है, जैसे 2.1 का अपडेट आएगा तो इसका भी अचीवमेंट आया जाएगा कि आपको पजल एक घूमने वाले हैं, जैसे ये तीनों मतलब एक ही लाइन में हो जाएंगे तो ये चमकने लगेंगे, फिर नीचे आएगा,
जैसे आप लूटोगे तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी लूट भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड दूसरी के अलावा गाइस सोप टोकन को यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज किया गया है। एंड सोप पे अंदर जाते हैं, यहाँ पे आप देखो भाई 100 कॉइन की यहाँ पे अपन को ये फ्लेयर मिल रही है। बाकी उसके अलावा गाइस दो बड़ी कंफ्यूजन को अपन क्लियर कर देते हैं कि भाई ऊपर आपको किल मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो मेरे भाई 100% किल मिलने वाले हैं, और दूसरी बात अपन ऊपर कितनी बार जा सकते हैं। तो मेरे भाई इसमें क्या है पता है, इसमें अगर आप नहीं मरते हो तो भाई जितनी मर्जी आप चाहो एक गेम के अंदर जितनी बार आप ऊपर चढ़ सकते हो उतनी बार चढ़ सकते हो, ठीक है। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। बाकी गाइस ये देखो अपन का माइनस प्लस कितना हुआ मैच एंड होने के बाद, इस टाइप से कुछ दिखाया जाएगा 2.1 के अपडेट में। एंड एमवीपी कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। एंड उसके अलावा गाइस देखो अगर आप लाइक करते हो अपने टीममेट्स को, अपना कैरेक्टर भी भाई लाइक देने वाला है, ये देखो भाई काफी सही लगा। बाकी गाइस पूरी डिटेल मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है आज की इस वाली वीडियो के अंदर। प्लीज गाइस इस वाली वीडियो को लाइक कर देना है।